मैं इसकी तस्वीर बनाऊंगा। ये साहब तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहते हैं, जिस तरह और जैसे कहें वैसे बैठे रहो। ओके डिप्टी साहब, आप जैन साहब का सामान मंगवा दीजिए। जैन मैं ऑफिस में हूं, जब फारिग हो जाओ तो आना, चाय इकट्ठे पियेंगे। सुन लिया ना तुमने? तुम अब इजी हो जाओ। जो कुछ तुमने बनाया है उसे मैं भी देखना चाहता हूं। क्यों, तुमने कभी पहले अपना चेहरा नहीं देखा? कई बार देखा, लेकिन जो तस्वीर तुमने बनाई है मैं उसे देखना चाहता हूं। क्या देखोगे? मेरी तस्वीर वही है जो तुम्हारा चेहरा है। एक बात पूछूं साहब जी? हाँ पूछो। मेरे चेहरे में ऐसी क्या बात है जो तुमने मेरी तस्वीर बनाई है? बोलो साहब, घबराओ नहीं साहब, मैं तो फांसी लगने वाला। मैंने तुम्हें क्या कहना है साहब? जो तुमने बनाया है वो सच मुझे बता दो। कौन? बोलो ना साहब। एक शैतान। मैंने तो तुम्हें पहली नजर में पहचान लिया था साहब जी, तुम वही हो ना जिसने 20 बरस पहले मेरी तस्वीर बनाई थी और मुझे इंसान का सही रूप कहा था साहब जी। तुम मुझे बता सकते हो यहां तक कैसे पहुंचे? मैं आपको अपनी कहानी जरूर सुनाऊंगा साहब जी, लेकिन आज नहीं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे फांसी दे दी जाएगी साहब जी। साहब जी आप वादा कीजिए, आप मेरी आखिरी मुलाकात करने आएंगे और मेरी लाश भी आप लेकर जाएंगे साहब जी।
साहब जी। कल आखिरी मुलाकात में मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा साहब जी। सब लोग तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखते हो साहब जी। तुमने मेरे कह कहे सुने लेकिन वो आंसू नहीं देखे जो मेरी आंखों से उतरे और मेरे हल्क में आके सीधे मेरे दिल की जमीन पर छाले डाल गए। ये सब कैसे हो? रब नवाज तो एक मासूम गदरिया था। साहब जी, तुम्हारा सवाल बहुत छोटा है और इसका जवाब एक लंबी दास्तान है। अपने जिंदगी की आखिरी मुलाकात में मैं अपनी जिंदगी की पहली कहानी सुनाने जा रहा हूं साहब जी। किसी भी जवान सीने में दिल हो तो उसकी कोई ना कोई प्यार कहानी जरूर होती है। आप तो जानते हैं साहब जी, मैंने भी अपने गांव की एक लड़की शाली से प्यार किया था। साहब जी, ये रबनवाज जैसा भी है ना, मेरा है। वो शबनम की तरह पाक और सीप के मोती की तरह सच्ची और सुची थी। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे साहब जी, बहुत। वैसे भी गरीब को प्यार की दौलत मिल जाए तो अपनी गुर्बत भूल जाती है साहब जी। हम भी सब कुछ भूल कर एक दूसरे में गुम हो गए थे। क्या बात है, बूथा बनाया है, नाराज है मुझसे? तू हर वक्त अपनी भेड़ बकरियों के पीछे घूमता रहता है और मैं तेरे पीछे। कभी तू भी तो तेरे पीछे आऊं? मुझे बहुत चाहती थी साहब जी। मैं बकरियां चराने जाता तो वो किसी न किसी बहाने मेरे घर आकर मेरे बुड्ढे माँ बाप की बड़ी खिदमत करती थी। बाप ने किसी बड़े की बात सुनाते हुए कहा था कि इरादे टूट जाए तो रब की ताकत का पता चलता है। हमारे प्यार को भी किसी आवारा बदली की नजर लग गई और एक दिन शाली
ली। मेरी राह छोड़ मलिक। शाली, मैं ही तो तेरी राह हूं। शाली, ये तेरे खूबसूरत हाथ कच्छ की चूड़ियों के लिए नहीं बने हैं। इनमें तो सोने के कड़े होने चाहिए। ये देख, तेरे लिए लाया हूं। देख, बहुत कीमती हैं। मेरी एक कच्छ की चूड़ियां तेरे इन सोने के कड़ों से बहुत कीमती हैं। ये मुझे मेरे रब नवाज ने दी है। बहुत प्यार है तुझे रब नवाज से? हाँ है। तुझे क्या? छोड़ मेरा हाथ, छोड़, छोड़। क्या हुआ? रमना मालिक, हमारे बड़ों ने हमें आपकी जूतियों से ऊपर देखने की इजाजत नहीं दी। आप भी हमारी इज्जत की तरफ देखना छोड़ दें। इन पहाड़ों की तरह इस इलाके की हर चीज हमारी मलकियत है। हम जो चाहें वो करें। हट जाओ हमारे रास्ते से, हट जाओ। ना मालिक, ना। शाली मेरा प्यार है, और प्यार करने वाले कभी रास्ते से नहीं हटा करते। लगता है तेरी कजा आ चुकी है। हमारा कसूर क्या है? मलिक ने बुलाया हवेली में। चल आवाज़ आती, छोड़ दो। चल भाई, ये भी चल, चल चल। हालत बना रखी है तूने। तीन रोज से ना कुछ खाया और ना पिया। थानेदार और जागीरदार के लोग मेरे घर भी आए थे। फिर शाली? वो तेरे बाबा और अम्मा को हवेली ले गए। ना जाने क्या बीत रही होगी उन पर। बोल बुड्ढे, कहाँ है तेरा पुत्र? बोल। मालिक, हमें कुछ पता नहीं, वो कहाँ चला गया है। भगवान कुछ तू ही बता। ये सच बोले हैं मालिक, आपके डर से वो हमें भी छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। मालिक, मेरा बेटा बेगुनाह है। मालिक, मेरा बेटा रब निवास बेगुनाह है। मेरा बेटा बेगुनाह है मालिक, मेरा बेटा बेगुनाह है मालिक, मेरा बेटा बेगुनाह है। मालिक, रब निवास को Thank you.
कसम, 3 दिन गुजर गए, मलिक हाकिम और 50 गांव का मालिक, उसका भतरिया एक कम्मी के हाथों कत्ल हो गया है और तुमने उसे गिरफ्तार नहीं किया अब तक। मैंने इनकी बहुत छितरौल की है, तो ये कम वक्त जबान नहीं खोलते तो फिर काट देना इनकी जुबान। काट दूंगा, इनकी बोटी बोटी करके कुत्तों को डाल दूंगा। वो जहां कहीं भी छुपा हो, मैं उसे जमीन की तह से भी निकाल लाऊंगा। अरे तुझसे कुछ नहीं होगा। आए आए मुरादी, लाना इस मीठे के सर। नहीं रहम, मालिक रहम, रहम मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक, मार दिया मेरे पापा को। ना ना मलक जी ना, आपका ये खादिम किस लिए है? तो फिर कर दो इसे पार। कर दूंगा। तो फिर ले जाओ इसे और गांव की गलियों में इस तरह फिराओ कि ये इबरत का निशान बन जाए, और फिर किसी कुत्ते को हमारी हवेली की तरफ भौंकने की जरूरत ना हो। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। साहब माफ कर दे, बदमाश मंत्र। बोला बदमाश है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अच्छा बुढ़िया, माँ, माँ,